डीजल मैं लगाता हूँ आप ना सर धान में क्या आप बताइए हमें क्यों नहीं तोला जा रहा, क्यों किसानों को परेशान कर रहे हैं आप? देख रहे हैं ये हंगामा, देख रहे हैं ये नोक झोंक के फाइल फाइट तो आपने देख ली, तो चलिए अब इन किरदारों से रूबरू हो लीजिए। देखिए ये पीली पगड़ी वाला शख्स किसान नेता बलजिंदर है और इनके सामने चश्मे वाले सज्जन है डीएम साहब, और ये वीडियो है पीलीभीत का जो खूब वायरल है। दरअसल ये घटना पूरनपुर मंडी की है जहां निरीक्षण के दौरान डीएम प्रवीण कुमार और ये किसान नेता बलजिंदर सिंह उलझ गए। हुआ ये कि बुधवार को पीलीभीत के जिलाधिकारी प्रवीण कुमार पूरनपुर मंडी के धान क्रय केंद्र का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। किसानों से बातचीत के दौरान किसान नेता बलजिंदर की धान खरीद के मानकों को लेकर जिलाधिकारी से बहस हो गई। बलजिंदर का धान पिछले 6 दिनों से क्रय केंद्र पर पड़ा हुआ था क्योंकि केंद्र प्रभारी ने उसके धान को मानक स्तर का नहीं बताते हुए लेने से इनकार कर दिया था। इसके बाद किसान नेता ने विरोध स्वरूप अपने धान को केंद्र के बाहर ही रख दिया। जब उन्होंने जिलाधिकारी से इसकी शिकायत की तो डीएम ने भी यही कहा कि तुम्हारा धान मानक के अनुरूप नहीं है। इसके बाद तो डीएम और किसान नेता में बहस हो गई, तीखी नोक झोंक हो गई, जिसका वीडियो वहां मौजूद लोगों ने बनाया और वायरल कर दिया। इसके बाद किसान नेता ने एक वीडियो और वायरल कर डीएम पर गंभीर आरोप जड़ दिए। तो मैंने उनको कहा कि जिलाधिकारी महोदय को कि ये धान जो है ढेरी बना के रखा है तोलने के लिए और ये डस्टर लग चुका तोलने के लिए तैयार है, तो कहने लगे कि ऐसा नहीं, आप ढेरी नहीं फैला नहीं सकते। तो मैंने फिर कहा कि हम तो प्राकृतिक आपदा के मारे हुए हैं और एक दिन में कंपाइन ने 2.5 एकड़ जगह काटी और अगले दिन कंपाइन वालों ने मना कर दिया, हमने 7,000 रुपये एकड़ लेबर के हिसाब से लेबर को दे के कटवाया और उसके पश्चात भी हमें आप कह रहे हैं कि आप ढेरी नहीं लगा सकते। कुल मिलाकर कोई दिशा निर्देश नहीं, नहीं तो वो हमारे ऊपर शेड के ऊपर चले गए और शेड के ऊपर जाने के बाद में मैंने यही कहा कि बताइए फिर हम ढेरी नहीं लगाए तो क्या करेंगे, तो कह रहे हैं हम क्या करेंगे, और सीधे हमारे ऊपर आक्रोशित होके जान से मारने की नीयत से मेरे ऊपर उन्होंने कूद गए। ये सामने जो टीन शेड है इसी शेड से मेरे ऊपर जान से मारने की नीयत से कूदे हैं और अब मैं शासन प्रशासन LIU से इंटेलिजेंस एजेंसियों से मांग करता हूं कि अगर इस पे तुरंत एक्शन नहीं लिया जाता है तो मैं जिला स्तर अपने प्रदेश स्तर के अन्नदाता किसान यूनियन के और अन्य किसान यूनियन 550 किसान यूनियन से यहाँ पे धरना प्रदर्शन आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाऊंगा। तो किसान नेता आरोप लगाते हैं कि उनकी जान लेने की साजिश रची गई और कोई एक्शन ना होने पर बड़ी प्रदर्शन की धमकी देते हैं। अब जरा इस मामले में डीएम साहब क्या कहते हैं वो भी सुन लीजिए। देखिए इसमें जो किसान हैं उनका सभी का, हमारे जितने भी किसान भाई हैं उनका सभी का सम्मान है और उन्होंने जो सड़क पर धान फैला रखा था तो मैंने ये कहा कि आप इसको सुखा करके घर से लाना चाहिए और अगर हर किसान यहाँ पर ला करके सुखाएगा तो फिर बाद में आप ही लोगों को दिक्कत आएगी क्योंकि अभी धान खरीद यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से बढ़ने वाली। उनका मानक में था नहीं था? मानक में उनका अभी तक नहीं था और नमी थी इसलिए वो सुखा रहे हैं और उनका ब्रोकन भी जो है वो जो निर्धारित मानक है उससे अधिक है और वो मंडी में उसको सुखा रहे थे, तो मेरे द्वारा टोकने पर और उसके 4-5 मिनट बाद अचानक से वो एग्रेसिव होकर के बोलने लग गए और फिर उनको समझाया गया है और इसके लिए कमिटी भी यहाँ पर होती है। अगर किसी धान को रिजेक्ट करना है तो वो कमिटी उसका परीक्षण करेगी, उसकी रिपोर्ट लगती है, वही रिजेक्ट कर सकती है, तो वो कमेटी को बता दिया गया, कमेटी उनके धान का इंस्पेक्शन करेगी। वैसे आपको ये भी बता दें कि 2 साल पहले जब पीलीभीत में पुलकित खरे जिलाधिकारी बनकर आए थे तो उनका भी एक वीडियो धान खरीद को लेकर वायरल हुआ था और किसानों ने खूब तालियां बजाई थी, लेकिन अब इन डीएम साहब का ये वीडियो भी खूब चर्चा में है। पीलीभीत से सौरभ पांडे की रिपोर्ट, UP तक।